गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट ऑटोस कालिंग मंकू और आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा अनदर न्यू ब्लॉग पे। तो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ मेरा बागान, तो ऑरेंज बागान करने वाला हूँ। मम्मी जो कटा है तो उस दिन भी मैं थोड़ा सा एक दो फूल ही लगाया हूँ ऑरेंज का, तो आज फिर से लेके आया हूँ पासीघाट से मैं 21 ऐसा कुछ फूल ही लेके आया हूँ, तो उसको मैं आज वहाँ पे फिर से डालने वाला हूँ। तो गाइस, मैं छोटा सा मेरे बगान का आप लोग को मैं शेयर करा दूंगा, तो गाइस बने रहिए हैं, मिलते हैं बगान पे। सो गाइस, फाइनली मैं अभी बगान पे आ चुका हूँ। गिट्टी पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। तो इसको एक्चुअली मैंने सपा नहीं किया, इसको मेरे मम्मी सपा किया है, जो कि आप लोग को मालूम ही है। मैं पासीघाट में हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मम्मी इसको सपा किया है। तो उस दिन भी मैं आके 8-10 ऐसा कुछ ऑरेंज का जो पुली है उसको लगा चुका है। आज 15 लेके आया हूँ, 20 लेके आया था, लेकिन शायद 20 जो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, छोटा जगह है, तो मैं 5 को निकाल के वो घर पे रख के आया हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पुली डालने। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मेरा वर्क। तो आप लोग देखिए, ये है मेरा छोटा सा बगान। मैं आज यहाँ पे ये जितना भी पुली है इसी साइड पर लगाएगा। तो ये मेरा छोटा सा बगान सराउंडिंग, बड़ा बड़ा घास को भी गिराना है कल परसों। सो मैं ये लेके नहीं आया हूँ, क्या बोलते हैं जो हम लोग दांगी बोलते हैं, वो दांगी लेके नहीं आया है। तो मैं आज इसी से लकड़ी से आज शाम खुदाई करेगा, ये ज़मीन को थोड़ा गड्ढा करेगा, तो इसको थोड़ा तार करने वाला हूँ, ताकि जब ज़मीन में घुसेगा तो इसी से मैं आज खुदाई करेगा। गो सुलायम तीदा गो एक तोर गो दौलुंग एक तोर सो गाइस, ये गद्दा इट शुड बी अनफ फॉर पुली के लिए अनफ है ये गद्दा जो, क्योंकि ये भी शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो अभी ये मैं डालने वाला हूँ। तो मम्मी बोल रहा था कि ये कुछ मैन्यूर है, तो इसको कम से कम 2 स्पून डाल के जो मिट्टी है उसके साथ अच्छे से मिक्सचर करना है। तो उसको भी मैं करके देख रहा हूँ, मैं जो बोला हूँ जैसे बोला हूँ, तो मैं भी ऐसे उठाने वाला हूँ। चलो मैं इसको डालने वाला हूँ, तो इस तरह है। तो मैं ये प्लास्टिक को हटा देगा, हटाना है। तो चलो ये मैं प्लास्टिक को हटा दिया हूँ। तो मैं अब इसको देख लीजिए, ये गड्ढा में इस तरह डालना है, चेक इस तरह से। हो गया, ये तो आ गया है। तो मैं बिट्टी को बंद कर देगा अभी ऐसा, तो बढ़िया से ऐसा वो हो गया। Pakkin kona yan nam legang iskin ta dem zodo lu posu nam ka mangar gom no ino sal bondo oh ho ho pakkin kona yan nam legang iskin ta dem zodo lu posu la du mangar gom no ino sal bondo suri kati long pen ab isko main idhar dal lunga dekhiye गाइस, ऑलमोस्ट डन होने वाला है, एक बचा है अभी, तो उसको करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ एक दो जगह था डालने के लिए तो, लेकिन मैं 5-6 को घर पे छोड़ के आ गया था क्योंकि मैं सोचा था कि ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, बट एक दो जगह कमती हो गया मीन्स ये जो पुली जो, तो कोई नहीं इसको नेक्स्ट टाइम मैं लगा लेगा। तो गाइस यही है बाउंड्री जो ऊपर ये बेरा है, वही मेरा बाउंड्री है। और यहाँ से थोड़ा सा हाँ 5-10 मीटर बम्बू लगाया है, तो बम्बू का सामने ज़्यादा नहीं लेके नहीं गया, तो इस साइड को संतरा करेगा और उस साइड को बम्बू लगाया है। तो नीचे साइड भी अभी बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं काटने के लिए, तो वो लोग को भी काट लेगा, तो वो लोग जंगल को क्लियर करने से बहुत सारे वहाँ भी नीचे में भी आएगा, नहीं नहीं बोलने से 50-60 तो आएगा। दैट मीन्स ये जगह 45 नहीं नहीं बोलने से भी 100 समथिंग का संतरा का प्लांटेशन करने वाला हूँ मैं। और बम्बू नहीं किया होता तो बम्बू का जगह मगर संतरा लगा था, मे बी 300-400 ऐसे कुछ प्लांटेशन हो जाना था यहाँ पे। तो बट कोई नहीं क्योंकि बम्बू भी तो चाहिए, क्योंकि हम लोग बस्ती वाला है, घर तो बम्बू से ही बनाता है, तो बम्बू को तो चाहिए चाहिए, इसको तो नहीं काट सकता। तो गाइस देख लीजिए दोनों एक्टर जो बस्ती का हीरो है, इसे हम लोग काम करना पड़ता है, पहले पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ से साथ ये भी कर रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम, ये सब मम्मी ने किया है, अगर मम्मी नहीं होता तो शायद मैं इस साल कुछ भी संतरा लगाने का कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि समय ही नहीं था। तो एग्ज़ाम मेरा अभी भी चल रहा है, 17 को एग्ज़ाम है मई का, तो स्टिल अभी तक हम स्टडी भी शुरू नहीं किया है, बस्ती में क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाओ चले कोई नहीं। तो गाइस फिनिश हो चुका है, अभी मैं थोड़ा सा एक दो गच्ची गिराएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वो जो लीफ जो काला काला हो चुका है जो आग लगाते समय, वो साइड को थोड़ा सा काट देगा, गिरा देगा जाते जाते। तो ये मेरा केटी का आसपास का सराउंडिंग है, आप लोग देख लीजिए बहुत ही सुंदर है, जो मैं हमेशा अपना हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो हम लोग का जो अरुणाचल का जो ब्यूटी है, जो हरियाली है, उसको जितना भी बयां करूँ उतना कम है। तो आप लोग खुद अपने आँखों से नज़ारा को आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। तो फ्रेश एयर है यहाँ पर हम लोग का, हमें फ्रेश हवा ताज़ा ताज़ा हवा मिलता है, मॉर्निंग वॉक जाने का कोई ज़रूरी नहीं, एवरी डे एवरी टाइम फ्रेश हवा यहाँ पर मिलता है। सो ये मेरा उस दिन जो डाला वाला है, तो देखो बहुत ही बढ़िया से जी ये हो रहा है, हरियाली हरियाली हो गया है उस दिन, मे बी 5-6 डेज ऐसे कुछ हो गया इसको लगाया वाला। तो वहाँ पे भी है, उधर पे भी है जंगल साइड में, और वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी उस दिन 9-10 आई थिंक, हाँ 9 ऐसे कुछ मैं उस दिन लगाया था, और आज 17 ऐसे कुछ लगाया है। और मम्मी वहाँ पर तो अनार लगाया है, हाँ अगर हम होने से वो अनार को किनार में लगाने के लिए बोलना था, लेकिन मम्मी जो बीच में लगा दिया है ये अनार दोनों को, यहाँ पे तो है, तो कोई भी कोई बात नहीं। आज मैं यहाँ से शुरू किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से शुरू करके यहाँ से ये ऊपर साइड, और ये जो चारों तरफ दिख रहा है इसको मैं आज लगाया हूँ अभी। हम लोग देख लीजिए मेरा दाव छोटा वाला है, ऊपर से दार भी नहीं है, बट फिर भी मैं ये बड़ा वाला लोग को तो नहीं गिराएगा, ये लोग को जो ये छोटा छोटा वाला लोग है ये लोग को मैं गिराएगा अभी थोड़ा, ताकि यहाँ पे आने का कुछ काम और भी बन जाए।
सो गाइस, जब मैं गिराएगा बोला था, सबको गिरा दिया है, तो मैं अभी हम भी निकल जाएगा बग्गर की तरफ, क्योंकि थक भी गया है एक्चुअली, प्यास लग रहा है, मेरे सामने में प्यान ही नहीं है, तो नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे जाके मैं निकल जाएगा डायरेक्ट बग्गर। तो ठीक है गाइस, जाते जाते हैं, आप लोग को कहाँ से मैं उठता है उसको दिखा देगा। सुबह को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा ये जो बगान है ये रास्ता से थोड़ा दूर है, लगभग 1 किलोमीटर पार होगा इस टाइप। जो मैं पहले आते समय जो उठा के आया था, पुली लोग को सोबारी हो रहा था और चराए उठता है, बहुत पसीना पसीना तक भी गया था, नहीं तो मैं आते आते आप लोग को रास्ता भी दिखा देना था। तो मैं अभी जा रहा हूँ, जाते जाते जो रास्ता पड़ता है तो उसको मैं किसे आया किस जगह से आया मैं उसको आप लोग को दिखा देगा। आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ से उठा हूँ आज सुबह को, यहाँ से मेरा बगान का रास्ता ये है और वो व्यू पॉइंट है मेरा इस बगान से, यहाँ से मैं चारों तरफ मैं भी नज़ारा लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए चराई इस तरह है, बहुत ही ज़्यादा चराई है, अगर बारिश गिरने से, अगर नॉर्मली चप्पल बुक के आने से बहुत स्लिप है, चल भी नहीं पाएगा आप, जो हम लोग भी नहीं चल पाता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग ये वाला पानी बूट बुक के जाना पड़ता है, क्योंकि ये स्पाइक जो इसका अच्छे से चिपकता है ज़मीन पे, इसीलिए। तो ये है मेरा रास्ता गाइस, देखिए मैं मूवी धो लिया, हाथ पाँव तक धुला लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं शुद्ध पानी है, पहाड़ का है, पहाड़ यानी कि ना यहाँ में यहाँ से ऊपर में ऊपर से ही ये पानी जो निकलता है, बहुत ही ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजिंग में कोई पानी को बिठाया है। तो हम लोग यहाँ में नॉर्मली फ्रीजिंग होता है तो हम लोग पीता भी नहीं है बस्ती में, क्योंकि पहाड़ एरिया का पानी है तो खुद ही इतना ठंडा है। अगर विंटर की बात करेगा तो हम लोग यहाँ हमको पानी में हम लोग इवन नहा भी नहीं पाता है, दिन को धूप के ही नहाना पड़ रहा है, नहीं तो पाएंगे। तो मैं अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ रास्ता जो, बट अभी दौरा है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल एंड, या आप सभी को यहाँ तक वॉच करने के लिए, मेरा साथ बने रहने के लिए। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक इंजॉय कीजिए अपना लाइफ को विद फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ। एज ऑलवेज मेरा तरफ से आप लोग को हमेशा थम्स अप एंड टाटा एंड बाय बाय।